रॉक गार्डन को नहीं बनाया गया था, कुछ उस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करी है इन्होंने। ये मिला कुछ नया देखने को यार, नीचे ना मछलियां और ग्लास का ब्रिज बना रखा है भाई, बहुत ही प्यारा। तो हेलो यूट्यूब फैमिली यार, कैसे हो आप? उम्मीद है सब सही होंगे। गाइज इस वक्त मैं हूँ चंडीगढ़ के अंदर और आज करने वाला हूँ यार बर्ड पार्क को एक्सप्लोर, जो कि अभी अभी मतलब 2 दिन पहले यार उसकी इनॉग्रेशन हुई है, 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया गया है। उससे पहले उसको नगर वन के नाम से जाना था, चंडीगढ़ में सिटी फॉरेस्ट भी कहते थे। मैंने एक ब्लॉग भी किया पहले, आई बटन में आप लिंक देख सकते हो ऊपर। तो गाइज ये देखो यार सामने, ये है चंडीगढ़ का बर्ड पार्क का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। आपको मैं एक बार ना रास्ते का प्रॉपर बता दूँ यार, अगर आप सामने देखोगे तो उस साइड से है रॉक गार्डन एंड यहाँ से ही 10 मीटर की दूरी पे भाई आपको मिल जाएगा सुखना लेक। तो वो सुखना लेक और रॉक गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच और एक गुरुद्वारा भी यहीं पे है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। गाइस यार हम भी अंदर जा रहे हैं इस वक्त और बिल्कुल मतलब रास्ते में ही है। ये देख लो इसकी एंट्री है यहाँ। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दियों का वक्त तो आ ही चुका है भाई। तो जब भी कहीं बाहर घूमने जाओ तो अपने कपड़े वगैरह अच्छे से डाल लिया करो गर्म गर्म। यार अभी तक तो यहाँ पे टिकट का कोई सीन नहीं है, अंदर तो आ चुके हैं फिलहाल। अभी आप ना नाम नूम लिख के अंदर जा सकते हो। अभी ये नहीं पता कि कब तक जो है ये ऐसे फ्री में एक तरीके से प्रमोशन भी किया जा रहा है। भैया वैसे कब तक हो जाएगा ये पता कुछ? पता नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। ओके तो वैसे कितने की टिकट है? सुनने में तो यार 50 रुपीज कुछ बोल रहे हैं ना। तो गाइस हो सकता है यार कि 50 रुपीज तक की टिकट हो, वैसे अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है इनकी तरफ से। तो अभी फिलहाल में हम इसको विजिट कर लेते हैं पूरा। मैं एक बार पहले भी आया था यहाँ पे, मैंने आपको जैसे बोला कि आई बटन में भी लिंक दे दूंगा वीडियो का पहले, उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था तो हमें जाने नहीं दिया अंदर। यार पहले लिखा रखा है सिटी फॉरेस्ट के नाम से, मतलब पहले ही मशहूर था, अब नगर वन भी बोलते हैं इसको। पर हम चलते हैं अंदर, बहुत ही प्यारा गार्डन बना रखा है यार। मतलब आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा जैसे इंजॉय करना है आपको, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आना है और छोटे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे ये बर्ड्स हैं देखो, बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी के बारे में इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और बोर्ड तो भाई मुझे पुराने से लगने लगे हैं बट जो भी है यार मुझे लग रहा है ठीक ही है उस हिसाब से, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था कोविड की वजह से। तो यार एक बात ज़रूर है कि अब मुझे जैसे कि जितना मुझे पता है कि यहाँ पे जो है ये पार्क जो है हमेशा ज़्यादातर बंद ही रहता है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना ये मतलब अभी लग रहा है डेवलपमेंट स्टेट में है पार्क इस वक्त। तो अभी यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो ही रही है पार्क के अंदर, कुछ नई नई चीज़ें रोज बनाई जा रही हैं। तो यार ये देखो यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है, अर्थ वॉज क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ अस नॉट सम ऑफ अस। तो मतलब मुझे बहुत पसंद आएगी, अर्थ भाई सबके लिए बनी है, कुछ हम अकेलौतों के लिए नहीं है। इन्फॉर्मेशन ही है यार यहाँ पे ज़्यादातर, अभी तक कुछ दिखा नहीं है, आगे देखते हैं कुछ दिखता है अपने को आगे या नहीं। अभी चल रहे हैं हम सीधा सीधा, काफ़ी लोग आने शुरू हो चुके हैं यार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चंडीगढ़ के अंदर इतनी भीड़ हो जाएगी, यहाँ पे इतने सारे लोगों को पता लग चुका है कि ये पार्क जो ओपन हो चुका है। और ये हुआ भी यार ब्लॉगर्स की बदौलत ही है, क्योंकि जैसे कि कल आपको पता ही होगा कल भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर मतलब डल चुकी हैं, और हम भी यार थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मतलब ज़्यादा लेट नहीं हुए बट एक दिन लेट हो चुके हैं। बट फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको सारा का सारा मैं जो है ये पार्क जो है एक्सप्लोर करवा सकूँ यहाँ पर। ये है यहाँ पे कुछ नया देखने वाला, जो कि हम फाइनली देखने आए थे यहाँ पे बर्ड पार्क। यहाँ पे नेचर ट्रेल भी है और ये राशि वाटिका और कैफेटेरिया वगैरह भी है, अगर आपको बैठना है वहाँ पे जाके तो आप कैफेटेरिया में भी बैठ सकते हो जाके। गाइस जब आप थोड़े दिनों बाद आओगे ना तो ये रहा, ये चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी है टिकट काउंटर, यहाँ पर आपको जो टिकट कटवानी पड़ेगी। अभी तो नहीं है बट जल्दी होने वाली है, जल्दी मिलेगी आपको। तो फाइनली वी आर हेयर, ये रहा भाई चंडीगढ़ का बर्ड पार्क, ठीक है, जो कि इनॉग्रेट किया गया है श्रीमती सविता कोविंद, ऑनरेबल फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई अंदर। यार बहुत ही प्यारे तरीके से यार इसको जो है मेंटेन करा है इन्होंने, बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स की जो फ़ोटो लगा रखी है आप देख सकते हो मेरे ऊपर। तो चलते हैं अंदर, फिर बर्ड्स के बारे में इतनी कुछ खासी नॉलेज तो नहीं है। पर ये गाइस देखो ये है लव बर्ड्स, बहुत ही प्यारे होते हैं ये, आप देखो मेरे सामने यार इन्हें, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये बहुत ही प्यारे हैं, इन्हें बोला जाता है गाइस लव बर्ड्स।
लव बर्ड से याद आया कि थोड़े टाइम में आपको यहाँ पे लव बर्ड्स भी नज़र आने लग जाएंगे, असली वाले लव बर्ड्स, मतलब सही कह रहा हूँ ना। तो अभी तो लव बर्ड्स को ज़्यादा पता नहीं है, तो जिस दिन लव बर्ड्स को पता लगेगा ज़्यादा, अभी परिंदे उड़ते हुए माइग्रेट करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे कुछ टाइम तक। तो यार ये देखो, ये काफ़ी दिनों तक मैं देखता रहा हूँ इसे अपने, मतलब मैं घर जाता रहा हूँ ना, तो कांसल, मैं कांसल में रहता, तो उसके पीछे से मुझे हमेशा दिखाई देता था। तो ये फाइनली मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, पता नहीं क्या बन रहा है क्या बन रहा है, बट बाद में मुझे पता लगा यार यहाँ पे कि बर्ड पार्क बन रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं आया भी था यहाँ विजिट करने, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जा नहीं पाया उस वक्त अंदर। तो ये है एक्वेटिक अवीरा, तो चले अंदर। धन्यवाद भाई जी। यहाँ से इसकी एंट्री की, यहाँ से ठीक है। भाई जैसे कि जैसे जू में था ना, जू में बिल्कुल वैसा ही बना रखा है। तो यहाँ की मोस्ट अवेटेड जगह थी ना, अब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो तो आप देख रहे हो ना यार, क्या ही प्यारी जगह है गाइस। ये पानी की आवाज़ आप सुन रहे हो, ये काफ़ी रिलैक्सिंग साउंड है। यहाँ पे सामने बहुत ही रिलैक्स मिल रहा है इसको सुन के, कसम से शांति मिल रही है, सुकून यार। जैसे रॉक गार्डन को नहीं बनाया गया था, कुछ उस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करी है इन्होंने, बट रॉक गार्डन है भाई, ठीक है। नेकचंद जी ने अपने हाथों से भाई इसका जो है इतना प्यारा नक्शा जो बनाया था, तो मतलब अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि घूमने लायक जगह है, हाँ एक बार विजिट करने के लिए तो अच्छी है, नो डाउट, बहुत प्यारी जगह। अभी प्रॉपर इसका काम चल रहा है अभी। अब वो देखो मेरे पीछे डक्स, वो देखो गाइस बतके, प्यारी प्यारी बतके हैं। और ये देखो जाल लगा रखा प्रॉपर ऊपर ना, कि कोई बाहर ना जा पाए। यहाँ पे यार देखो शीशे वाला बिल्कुल बना रखा है, नीचे देखो मछलियाँ, कोई मछलियाँ ही मछलियाँ यार यहाँ पे। भाई ये कुछ नया मिला देखने को, ये मिला कुछ नया देखने को यार, नीचे ना मछलियाँ और ग्लास का ब्रिज बना रखा है भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है यार भाई। टेनेस्टियल अवीरा भाई बहुत ही प्यारे हैं यार, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से। ये देखो बर्ड्स कितने प्यारे बैठे हुए हैं। तो गाइस ये आपको ये येलो येलो से दिख रहे हैं, ये गोल्डन विंग मकाओ। ये गाइज मेरे पीछे कैफेटेरिया, और अगर आपको भूख लगे और कुछ खाने का मन हो पीने का मन हो तो भाई यहाँ पे आ सकते हो, ये भी सिटको की तरफ से ही है। सुवर्ण शॉप है यहाँ पे, अभी इस वक्त तो फ़िलहाल ये बंद पड़ी है, थोड़े टाइम तक शायद खुल जाएगी। एंड यहाँ पे यार कैफ़े है। तो कल जी अभी तक तो यहाँ पे कुछ आपने मतलब रखा नहीं, क्योंकि अभी ओबियस सी बात है लोग भी इतने नहीं आ रहे हैं, बट जब भी आप रखोगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके पास खाने के लिए यहाँ पे? लाइट सा होगा हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पे अलाउड भी नहीं है ना। ओके, अंदर अलाउड नहीं है, फिर भी क्या क्या चीज़ें होंगी जो आप रखने वाले हैं? वगैरह समोसा है, वेफर है वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह। ओके, कॉफ़ी वगैरह भी आपके पास? चाय कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, ठीक है। तो कब तक हो सकता है शुरू वैसे? कुछ एक आइटम्स हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे समोसा वगैरह या पेटीज वगैरह। तो एक ही कैफेटेरिया मतलब यहाँ पे खाने के लिए एक ही है? एक ही है, ठीक है। थैंक यू भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा।
गाइस यहाँ पे देख रहे हो यार काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम भी जो यार कोकोनट वाटर जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता कहते हैं, बाकी देखते हैं यार। बहुत ही प्यारा यार व्यू है यहाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे ये बर्ड्स के लिए बना रखे हैं। मैं आपको झाड़ू दिखाता हूँ गाइस, देखो ये खोलिए ढक्कन और ये बाहर नहीं आ रही। बाहर ना आने का रीज़न ये है कि ये पूरा सील्ड पैक है देखो, तो अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको मैं बता दूँ इसे पीना कैसे है। देखो ये ढक्कन देख रहे हो आप, ढक्कन में ना यहाँ पे एक तीखा सा है ना, इसे यहाँ पे ऐसे फंसा के और ये इस तरीके से खोलना है आपको, ऐसे घुमाना है तो ये भाई खुल जाएगा। ये खुल चुका है, देन उसके बाद एंजॉय करो। थोड़ा बहुत तो है इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव है, उसके बिना तो होता ही नहीं पैक का, बट ठीक है यार टाइम पास करने के लिए। 50 रुपीज़ की है बॉटल, ये ध्यान में रखना। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ना लाइक कर देना यार वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। बाय बाय, तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।